हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि के बी एम बी जी बी ये सब कौन से कोड हैं और इन सब कोड का यूज़ कहां पर किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए ये कोड यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम सभी को ये पता होता है कि ये सब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाले कोड हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। ये सब कोड है क्या? अगर आपको इसकी ऑलरेडी नॉलेज है तो इस वीडियो से आपकी नॉलेज इम्प्रूव और इंक्रीज दोनों हो जाएंगी, और साथ में अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो से आज मिलेगी। अब हम बात करते हैं इन सभी नंबरों को क्या बोलते हैं, जैसे के बी एम बी जी बी ये सभी कोड को क्या बोलते हैं। इन सभी को बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। इसका मतलब हुआ भी जितने भी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन है वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में काम करते हैं। और अब हम जानेंगे कि के बी एम बी जी बी का स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ, क्योंकि हमें बीच के 2-3 वर्ड पता हैं, नंबर पता हैं, जैसे के बी एम बी जी बी ये 3 नंबर हमें पता हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कहाँ से है, इस वीडियो में हमें आज सब कुछ क्लियर होगा। 1 nibble इक्वल है 4 bits के। ऐसे ही आप इस टेबल से अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इन सभी बाइनरी नंबर का यूज क्यों करते हैं। इन सभी बाइनरी नंबर का यूज करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए। इस टेबल की हेल्प से हमें पता चला कि ये सब डिजिटल स्टोरेज या ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होने वाले नंबर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक वेट मशीन की, एक वेट मशीन से हमें पता चलता है एक वस्तु का वजन, ये वस्तु के वजन के साथ क्या पता चलता है, उस मशीन की कैपेसिटी, यानी कि उस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना वेट कर सकती है किसी भी वस्तु का। वैसे ही इस टेबल से पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस कितनी कैपेसिटी का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सभी कितनी स्टोरेज के हैं। जैसे एक मोबाइल फोन है, उसकी इंटरनल स्टोरेज इतनी है, तो उससे हमें क्लियर होगा भी ऐसे ही उसकी एक कैपेसिटी है हर डिवाइस की। और वर्ल्ड में जितना भी डाटा, डिजिटल जो डाटा है अपना सर्कुलेट हो रहा है, वो या तो किसी डिवाइस की हेल्प से या फिर किसी मोबाइल की ऐप से, जितनी भी ये मोबाइल ऐप्स होगी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा जो डाटा है वो सर्कुलेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अब हम जानेंगे कि ये डिजिटल डाटा को स्टोर करने वाले कौन से डिवाइस हैं, कौन से डिवाइस में हम अपना ये डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, डिजिटल कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, मोबाइल स्टोरेज, या फिर टेप, यूएसबी, ये सब जितने भी मेमोरी कार्ड वगैरह मोबाइल, इनमें सभी में क्या होता है, हमारा वो होता है डाटा स्टोर होता है, और स्टोर की हेल्प से हम डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन सभी डिवाइस की हेल्प से हम एक लॉन्ग टाइम के लिए अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि जो काम हमने पास्ट में किया वो हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, उसमें अगर कोई करेक्शन करनी है या कुछ भी करना, या हमने जो हम प्रेजेंट में कर रहे वो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। आज हमें इस वीडियो से पता चलेगा कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। सबसे पहले कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। डाटा को स्टोर करने वाले डिवाइस कौन से है, जैसे सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव, ये सब क्या है, डाटा को स्टोर कर। इसके अलावा क्या है, हम इसका यूज कहां पर करते हैं।